अगर लेजर ट्यूब है ऑल फोटॉन्स, देखो लेजर का जो ट्यूब होता है लेजर ट्यूब, थ्योरेटिकली अगर आइडियली अगर बात करोगे आइडियली, तो कुछ बताया गया नहीं, तो हम कॉन्सेप्ट आइडियली ही लेके चलेंगे। आइडियली अगर बात करोगे तो ये जो सोर्स होते हैं वो कोहरेंट सोर्स होते हैं, कोहरेंट सोर्स। तो कोहरेंट सोर्स तब होता है जब उनकी वेवलेंथ सेम होती है ऑल द फोटॉन्स, ठीक है, ऑल द फोटॉन्स। जो आइडियली अगर बात करोगे तो लेजर ट्यूब में ऑल द फोटॉन्स हैव सेम वेवलेंथ एंड सेम वेवलेंथ सेम एनर्जी एंड मूव इन सेम स्पीड और मूव विथ सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। अगर आइडियली बात करोगे तो सोर्स कोहरेंट है, बट अगर ये प्रैक्टिकली बात करोगे, प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकली जो लेजर सोर्स से जो फोटॉन्स जनरेट होते हैं, ठीक है, उन फोटॉन्स की जो वेव लेंथ होती है स्लाइटली अलग अलग होती है, स्लाइटली अलग अलग होती है। तो सेम वेव लेंथ नहीं होती है, तो सेम फ्रीक्वेंसी भी सेम वेव लेंथ नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं सेम होगी फोटॉन्स की, तो एनर्जी नहीं सेम होगी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा सा जब बीम से जनरेट होते हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ना, तो लिटिल विट अपने पास से डेविएट भी हो जाते हैं, बट मीडियम सेम रहता है तो सभी फोटोन की स्पीड सेम होती है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक बल्ब है तो जिसे वाइट लाइट आ रही है, जिस रूम में बैठे हो उस रूम में बल्ब लगा है और वहाँ से वाइट लाइट निकल रही है, तो वाइट लाइट में क्या सारे फोटॉन्स की वेवलेंथ सेम है क्या? नहीं यार, अलग अलग कलर के वेवलेंथ है, स्पेक्ट्रम है, तो उन रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वाइट में उसमें अंदर है, तो सभी फोटॉन्स की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है। तो जब वेवलेंथ डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो एनर्जी डिफरेंस है, लेकिन वो जिस मीडियम में है उस मीडियम में स्पीड क्या है? सेम है यार। तो उस लॉजिक से भी इसको समझ सकते हो, तो सेम स्पीड के होते हैं ये वाली चीज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इस लेक्चर को यार थोड़ा सा सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। वैसे तो यशी वर्मा के सारे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या है कि कुछ मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं डाल दूंगा यार, और बहुत सारे थियरी भी अब मैं बनाऊंगा। अभी तक मैं थियरी अपलोड नहीं किया हूँ अपने चैनल पे, तो जब मैं थियरी अपलोड करूंगा तो अगर उसको तुम देख लोगे तो तुम्हारा पूरा जो क्वेश्चन है नीट या जेई का वो सही हो जाएगा यार। तो अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो, हेल्दी रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।